एनी, आई एम सॉरी, मैं आपको ऐसे कॉल कर रही हूँ, मेरे बिल्कुल इंटेंशन नहीं थी, सीमा बोल रही हूँ। यस, बोलिए। एनी, मुझे आपके ऑफिस से नंबर मिला था, आप मेरी सिर्फ बात सुनिए। मैं सिर्फ ये कह रही हूँ, मैंने अभी किसी से भी दिल हल्का नहीं किया है, मैंने मुझे लगा मुझे आपसे करना चाहिए। मैं इन कमीनों की ना शक्ल नहीं देखना चाहती, लड़कों पे भरोसा नहीं करना चाहिए। क्या हो गया ऐसा? मेरा बॉयफ्रेंड, आज के बाद उसकी शक्ल तक नहीं देखूंगी, मैं सही बता रही हूँ। मतलब कितने झूठे होते हैं ये, क्या सोचते हैं ये। क्या हुआ, उसने आपको कुछ मारा वारा मारा तो नहीं है? मारा नहीं है, लेकिन इसकी कभी शक्ल नहीं देखनी, मतलब झूठे, लायर लायर। इसके किसी बात पे यकीन नहीं करना मुझे, मैं सीरियसली बता रही हूँ, आज के बाद किसी बात पे यकीन नहीं करना मुझे। क्या वो किसी और से शादी कर रहा है? शादी नहीं कर रहा है, लेकिन आज के बाद इसकी शक्ल नहीं देखूंगी, झूठा। प्लीज डोंट माइंड, लेकिन आपने उसको किसी और लड़की के साथ नहीं देखा? नहीं, उसने मुझे एक दूसरे बॉयफ्रेंड के साथ देख लिया, और इतना झूठा है, इतना झूठा है। 3 दिन पहले मुझसे कह रहा था मैं जा रहा हूँ किसी काम से जयपुर, 4 दिन में आऊंगा, कमीना यही था दिल्ली में। झूठे फरेब, मोहब्बत की कोई कीमत नहीं होती इनकी नजर में, लड़कों की नजर में। कुत्ता झूठ बोलता है मोहब्बत में। हेलो हेलो, आप मत मिलने उससे, कमीना कुत्ता कहीं का। नहीं मिल रही, मैं बाद में फोन करूंगी। ओके। हेलो, मैं आपको ये भी नहीं बताऊंगा कि मैं आपका वक्त ले सकता हूँ ये नहीं। बहरहाल मैंने फोन आपको इसलिए किया कि मुझे पता चला कि आपको भी शौक है लिखने का, और काफी लिटरेचर पे काम कर चुके हैं सर आप। कर चुका हूँ, लेकिन आप कौन बोल रहे हैं? मैं अपने बारे में आपको पूरी तरह बताऊंगा। हमारी जिंदगी के सिलसिले जो हैं वो बड़ी पेचीदगियां हैं हमारी जिंदगी में, धीरे धीरे आपके पास खोलूंगा, लेकिन आपके पास वक्त हो तो मैं कुछ बताऊँ आपको। मैं अभी घर पे हूँ असल में, और घर पे काफी लोग भी हैं। किस सिलसिले में बात कर रहे हैं? मैं आपको वही बता रहा हूँ। देखिए, मैं असल में मैं खुद लिटरेचर में हूँ, और मैं जुबानों की कदर करते हैं। अभी तो मैं घर पे हूँ, और मेरे वालिद साहब भी मेरे घर पे हैं, वालिद साहब हैं, मेरे दादा भी अभी हयात हैं, जिंदा हैं, वालदा हैं मेरी, मेरी अहलियाँ हैं, बच्चा है मेरा। तो मैं आपसे अपनी ज़िंदगी के बारे में कुछ बताऊँगा। लेकिन आप अपने मैं अपने बारे में आपको बताऊँगा अपने बारे में। देखिए, सबसे पहले तो मैं आपसे ये बता रहा हूँ कि मेरी ज़िंदगी में बड़ी मुश्किलात आई शुरू में और शुरू में। अरे, टूट गया। क्या टूट गया? कुछ नहीं, मेरे वालिद साहब का भरोसा टूट गया, अभी टूटा है वो। मेरी बीवी से कुछ कहा सुनी हो गई, उन्हें भरोसा था कभी बदतमीजी नहीं करेगी, तो अभी टूटा है बिल्कुल। उसको समेट के देखो, किसी के पैर में ना लगे, रख दो। बड़ी ही मुश्किलों से मैं इस मुकाम पे पहुंचा, और मुकाम पे आने के बाद असल में मैं घर से बड़ा जुड़ा हुआ हूँ। एक सेकेंड होल्ड करिएगा। सो गया, सोने दो, मैं फोन पे बात कर रहा हूँ। सो गया ना, उसको सोने दो, मैं फोन पे बात कर। कौन सो गया भैया? मेरी वाइफ का जमीर सो गया। वो असल में ये था कि देखिए, अब उसको उसको कम्बल उड़ा दो, ठंड लगेगी रात में उसको, ठीक है, कम्बल उड़ा दो। तो मैं आपको ये अर्ज कर रहा था कि आप रात हैं, और मैंने इतनी मुश्किलों का सामना किया है। बहरहाल ये है कि आपसे बताना बड़ा जरूरी था, तो मैं अपने बारे में आपको ये बता रहा था जी। आप हंसे कम, मेरी बात सुनिए। देखिए, तो मैं ये बता रहा था कि हमारे घर में जो ये इस तरह की कुछ कमियां हैं, लेकिन क्या है भैया। गुड मॉर्निंग। हाँ, बड़ी देर से जागे। चलो चलिए, आप मुंह धो लीजिए। कौन जाग गई? उम्मीद जाग गई, अभी मेरी वालदा की उम्मीद जागी है कि शायद अभी बहू जो है मेरी वाइफ हो, कहना माने या थोड़ा सा ख्याल रखे जी। तो अभी देखिए कितना ताजुब है कि जमीर अभी सोया है और उम्मीद जाग गई। इतनी देर से उठे हो, नाश्ता खुद करो, चलो जल के। आपसे ये कह रहा था, ये अर्ज कर रहा था कि तो मैं असल में मैंने अभी नाश्ता भी नहीं किया, देखिए, लेकिन मैंने खुद नहीं किया नाश्ता, और भूख इतनी तेज मुझे सुबह लग रही थी। क्या ओ, एक सेकंड, आप हंसी में क्या हुआ? अल्लाह, क्या हुआ? मर गई। क्या मर गई? भूख मर गई, बिल्कुल अभी मरी है, पता चला कब हुआ, कब है, अभी 2.5 मिनट पहले। बस ये है कि देखिए, दुनिया में बस अपनी चीजें चल रही हैं, अपना ये है कि एक सेकंड। कौन? अच्छा, आ जाओ भाई, अंदर आ जाओ। कौन आ गया? आइडिया आ गया कि मैं अब बता दूं आपको कि मैं रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूँ, मैं मुर्गा बना रहा था, मैं मतलब ये देखा।
हेलो। वैसे जनरली होता तो नहीं है ऐसा, लेकिन हमने बुला लिया इन्हें। भाई साहब मेरे साथ रवि स्टूडियो में है। रवि, ये मुर्गे की रिक्वेस्ट लेके आए हैं। मैं अपनी पत्नी का मुर्गा बनाना चाहता हूँ। मेरी पत्नी ने मुझे इतना परेशान कर रखा है, मैं क्या बताऊँ सर। मतलब हफ्ते में 3 बार पार्लर जाती है, 8 से 10 हजार रुपए मेरा खर्चा हो जाता है। मतलब उसमें क्या नाम है आपकी पत्नी का? पत्नी का नाम मंजू। कौन से पार्लर जाती है वो? ब्यूटी पार्लर। हेलो। हेलो मंजू। बोलिए। मंजू ब्यूटी पार्लर से बोल रही हूँ। हाँ जी बताइए। एक्चुअली हमारी बात हुई नहीं है, मैं कभी आपसे मिली भी नहीं हूँ, बट आई एम द ओनर ऑफ दिस पार्लर। ओके, मैंने आपको कॉल क्यों किया है? अभी ये ना न्यूज चैनल वाले आए हुए हैं, तो पार्लर पे, ब्यूटी पार्लर पे कोई डॉक्यूमेंट्री बना रहे थे। अभी मेरा इंटरव्यू शुरू होने वाला है, तो मेरे से कह रहे थे कि आपका भी इंटरव्यू करेंगे और लाइन पे किसी कस्टमर को लेंगे, तो थोड़ी आप भी बात कर लेना इनसे। न्यूज चैनल वालों से बात करना? हाँ, न्यूज चैनल वाले, मतलब वो इंटरव्यू कर रहे हैं, लाइव करेंगे अभी मेरा। हेलो। हेलो जी, बताइए। नमस्कार, मैं राजीव, प्राइम टाइम में आपका स्वागत है। लड़कियों के फैशन में आजकल पार्लर की बड़ी भूमिका है। आज जिस पार्लर में आए, मोनिशा पार्लर, इस पार्लर की ओनर दिशा जी, स्वागत है आपका शो में। सबसे पहला हमारा सवाल ये है कि किस तरह का पार्लर है और कितना सेटिस्फाई करते हैं आप कस्टमर को? देखिए, हमारा पार्लर पिछले 7.5 साल से यहाँ चल रहा है और मेरे बहुत सारे कस्टमर्स हैं, जैसे कि फोन लाइन पे भी हमारी अभी मंजू जी हैं। मंजू जी, आप हमें सुन पा रही हैं? क्या आप इस पार्लर से सेटिस्फाइड हैं? मैं बहुत सेटिस्फाइड हूँ और मैं हर बार आती हूँ, यहीं पे ही आती हूँ। जिस दिन मंजू जी आई है, आप यकीन करना, जब हमने पहली बार इनका हेयर स्पा किया, इतनी बड़ी बड़ी जुएं गर्दन पे टहल रही हैं। मेरे वर्कर को लगा शायद पालतू हूँ, लेकिन इनको पेडीक्योर कराना था। जब पहली बार इनका पैर ऊपर उठाया हमने ऐसे रगड़ने के लिए, नाखून नाखून रगड़ते मेरे, तो अचानक से आवाज आई करके, मैंने कहा ओ हेलो, आप मुझसे बात करिए, मैं कस्टमर हूँ, मैं यहाँ आती हूँ। आपसे भी बात करेंगे, आपके पास भी आएंगे, लेकिन अभी जरा पार्लर के बारे में जान लूँ। अब मंजू जी की जैसे एग्जांपल मैं दूंगी, मतलब अगर थ्रेडिंग ना करूँ ना, इनकी प्रॉपर मूछे हैं मर्दों की तरह ना। एक बार मुझे याद है, रिमेम्बर, मेरी वर्कर इनके मैनिक्योर कर रही थी, नाखून को ऐसे खिसके ना, आप यकीन करना, नाखून जरा से उसने गिरा, 3 दिन पुरानी दाल निकली है नाखून में से। हेलो, एक्सक्यूज मी, ये क्या बात हो रही है? जैसे कि आप देख रहे हैं हिंदुस्तान के नेशनल टेलीविजन पे के एक, हेलो मेरी बात सुनिए, मैं आपकी बात सुन रहा हूँ, एक बात सुनो। ये जो आपने जानकारी दी, ये बहुत महत्वपूर्ण है हर महिला के लिए कि पार्लर में किस किस तरह के काम होते हैं और कैसे लोग सुंदर बन जाते हैं। मैं धन्यवाद अदा करना चाहूँगा। हेलो। हाँ जी, खत्म हो गया है शो, अभी तो बंद कर दिया उन्होंने। क्या बकवास करी थी, चूती की तेरे पार्लर में, कमी नहीं कहीं की। नमस्कार। इस शो के अंत में यही कहना चाहूंगा कि हर महिला भगवान की बनाई हुई बड़ी सुंदर है और ऐसे ही हमको पसंद है। तो यह असरा है कमीना इंसान अपनी वाइफ का मुर्गा बनवा के। हेलो। हाय, दिस इज ऑटोमेटेड कॉल फ्रॉम US हाई कमीशन। Congratulations, you have cleared the first round for your visa process. We will now transfer your call to our PR officer. Please stay online. We wish you good luck. Hello. Hello. जाओ अमेरिका? Yes. अमेरिका जाने से पहले बातचीत करनी जरूरी, बातचीत करो मुझसे। Hello. कब की रवानगी है? Sir, actually, मतलब I have just applied. And I want to talk. फारम तो मिल गया तुम्हारा, धर रहो मेरे सामने, अप्लाई क्यों है और कहाँ हो रहो है? I am good, but कपड़ा लत्ता तैयार कर लिए? सर कपड़ा लत्ता कर लिए तैयार? सर that is like जाड़ पड़ो तेज वहाँ पे, जाड़ो मोटा वो रख लियो साथ में, स्वेटर या फिर साल। ओके। क्या बस्ता भी लेके जाओगी साथ में? क्या बस्ते? बैग्स तो सर उन्होंने बोला था कि आई कैन टेक 4 बैग्स। बाबलो हो रहा है, चार धर रही है यहाँ, 20 केजी बोला था मुझे। आप 20 किलो? अच्छा, वेट आप चेक करते हैं? वेट ना चेक करें, वेट ना चेक कर बात करें, वीजन रही ना चाहिए। पहली दफा जा रही हो अमरीका? यहाँ सर फर्स्ट टाइम। इससे पहले देखो ही ना है कभी? नो सर। अंग्रेजी बोले हैं वहाँ पे सब? I know. सारी टेंसेस तो आती होंगे तुमसे? सारी टेंसेस? इसको बनाइयो, मेरे जाने से पहले वहाँ से ट्रेन जा चुकी थी, जरा सा बनाइयो, बना के दिखाइयो। ट्रेन पहले पहुँची ना? मेरे पहले पहुँचने से पहले ट्रेन निकल चुकी थी वहाँ से। Then I reached station, train had left. अच्छा, मेरे वहाँ पहुँचने से पहले ट्रेन नहीं, मुरादाबाद एक्सप्रेस निकल चुकी थी। Then I reached स्टेशन, अभी रेलवे स्टेशन, तो मुरादाबाद एक्सप्रेस है लेफ्ट। और का का लेके जाओ, कोई ऐसा सामान तो ना है साथ में, जा से परेशानी हो जा, सरसों का तेल ना है? सरसों? गुड़? गुड़? सर वी आई जस्ट ऑलिव ऑयल। गुड़? ऑलिव ऑयल?
गुड़ गुड़ तो ना है कोई ऐसी चीज तो ना है लंबी गन्ना सर वो तो एक्चुअल मार्केट में भी सर आई एम गोइंग टू यूएस तो क्या दिन धरोगे वहाँ पे सर अभी तो नहीं बता पाऊंगी वो अभी बताना पड़ेगा अमेरिका में किस जगह जा रही हो एक्चुअली आई एम गोइंग टू फ्लोरिडा टू माय सिस्टर जी बताओ अकेली धर रही हो आर यू सिंगल यस आई एम सिंगल कमाल मैं भी सिंगल हूँ या का मतलब समझो क्या हम दोनों ही बदसूरत हैं खुद मिली ना रो ऐसा थप्पड़ मारूंगी ना पटना जा पहुंचेगा धीरे मारियो थप्पड़ क्यों हाजीपुर में काम है वहाँ उतर जाएंगे पटना ना जाना मैं हाजीपुर में उतर जाऊंगा पहले का हो रहा है जब पूछ रहे जब भी समझ में ना आई नबीद बोल रहे रेडियो मिर्ची से अमेरिका जा रहे बैठे ये बहुत बढ़िया बात लगी तुमसे तुम्हारा कॉल आ जाएगा कल परसों मैं आपको बता दी सारी अमेरिका की बात ठीक है थैंक यू ओके हेलो अस्सलाम वालेकुम वालेकुम सलाम आप फातिमा बोल रही है नवेद की अम्मी जी मरियम दादी लाइन पे इनको सलाम करो सलाम वालेकुम दादी वालेकुम सलाम कौन अम्मी मैं जारा बोल रही हूँ बोलिए अम्मी मैं आपको पता नहीं कैसे बताऊं ये आपकी पोती थी अभी फोन पे कौन थी बेटा नवेद ने मेरे को सख्ती से मना करा था आपको फोन करने से लेकिन फिर भी मैंने हिम्मत जुटा के आपको फोन करा है बट जब भी मेरी बेटी मुझसे पूछती है अपनी दादी के बारे में तो मेरे पास कुछ होता ही नहीं बोलने को तो मैंने सोचा आज आपको खुद ही फोन कर लूं और अम्मी मैंने और नवेद ने आज से 5 साल पहले निकाह करा था क्या बोल कौन रही हो तुम अम्मी जारा बोल रही हूँ और नवेद की वाइफ हूँ मरियम तुम दादी से बात करो एक बार दादी मुझे आपकी बहुत याद आती है और जब मैं अबू से पूछती हूँ ना तो वो मुझे कुछ बताते ही नहीं अल्लाह खैर अम्मी आप परेशान मत होइए मैं सब संभाल लूंगी अरे क्या ये नवेद 22 आप बिल्कुल भी फिक्र मत करिए हम आपके साथ ही रहेंगे मैं खुद समझ नहीं पा रही हूँ कि क्या कहूँ बाईस अम्मी आप जब अपनी पोती को देखेंगी तो इंशाल्लाह बहुत मोहब्बत करेंगे उससे मैं कुछ बोलने के लायक नहीं हूँ बस 22 अम्मी आप परेशान मत होइए फिक्र मत करिए हम साथ में ही रहेंगे अरे बेटा नहीं ये बात नहीं है 22 अम्मी 22 क्या 21 पोती पोता तो पहले ला चुका है और अब ये 22वीं पोती है इसे भी ले आओ आ जाओ अच्छा अच्छा बेटा जारा मुझे नहीं पता कि तुम कौन हो ये इसी मुर्गी का चूजा है जिसकी माँ मैं बोल रही हूँ तो ये मुझे मुर्गा नहीं बना सकता अम्मी अस्सलाम वालेकुम वालेकुम सलाम अम्मी मुर्गा बनाना चाह रहा था मैं तुम्हारे बाप आज तक मेरा मुर्गा नहीं बना सके तुम क्या बनाओगे तुम अपना शो करो अल्लाह हाफिज गुड मॉर्निंग ये भाई साहब ये मेरा भाई है राजू ये तो बात कर नहीं रहा इससे बोला भी नहीं जा रहा ये प्रॉब्लम हो गई है ये इसका एटीएम कार्ड फंस गया है सर चिंता मत करिए बिल्कुल आपकी सहायता करी जाएगी हाँ जरा सहायता करो पिछले 5 मिनट से नहीं निकल रहा है कार्ड सर जिस मशीन पे आप खड़े हैं उस पर एक एंटर का बटन होगा बटन राइट एंटर के नीचे कैंसिल होगा आप कैंसिल पे क्लिक करिए कैंसिल क्या कैंसिल ठीक है सर कोई बात नहीं मैं आपको दोबारा बताता हूँ जी आप जिस भी मशीन पे खड़े हैं उसमें बटन में एक एंटर का बटन होगा उसके नीचे कैंसिल का बटन होगा एंटर का बटन राइट हैंड साइड पे एक एंटर होता है ग्रीन कलर का उसके नीचे कैंसिल होता है लाल रंग का बटन होगा उस पर आप क्लिक कर दीजिए कैंसिल का बटन क्या कह रहे हो आप सर जो स्क्रीन है आपके सामने कहाँ है स्क्रीन मेरे सामने राजू है राजू के सामने स्क्रीन होगी राजू के सामने मैं हूँ स्क्रीन कहाँ कौन सी स्क्रीन सर एटीएम की स्क्रीन कौन सा एटीएम सर सर कहाँ कार्ड फंसा है कहाँ से नहीं निकल रहा कार्ड इसके मुंह में से ये राजू ने मुंह में डाल लिया था कार्ड एटीएम का वो निकल ही नहीं रहा हलक में अटक गया उसके ऐसे एक सेकंड रुकिए राजू थोड़ा दम लगा सर कॉल करने के लिए धन्यवाद आपका दिन शुभ रहे आपका भी हेलो गुड मॉर्निंग
प्रैंक? मैंने अभी आपको कॉल किया था ना, ये राजू का अब हाथ फंस गया है। सर अब क्या मुंह में हाथ ले लिया क्या? नहीं आप मुंह में क्यों, अब तो एटीएम में हाथ तो एटीएम में ही फंसा है, ये पैसे निकाल रहा था अंदर से, मैंने चपेट मारी है, मैंने कहा चोटे अब हाथ कैसे निकाले। सर रेडियो मिर्ची में आपका स्वागत है, आपकी हर तरह से सहायता करी जाएगी। मैं नवेद बोल रहा हूँ, आपका दिन शुभ रहे, क्योंकि आप दूसरों के दिन शुभ करते हैं, आप लोगों को पैसा देते हैं, लोगों को जरूरत भी नहीं होती, फोन कर करके देते हैं, ले लो ले लो ले लो मेरे से ले लो है। सर धन्यवाद, गॉड ब्लेस। हेलो जसप्रीत जी, गुड मॉर्निंग, आई एम कॉलिंग फ्रॉम, आई जस्ट वॉन्ट टू आस्क यू दैट यू हैव अडॉप्ट आवर फ्रेंड्स एंड फैमिली स्कीम, आर यू सैटिस्फाइड? अभी तो जब बिल आएगा वही पता लगेगा ना, अभी तो मेरे को 3 दिन हुआ है बस। अभी 3 दिन हुए हैं। फ्रेंड्स एंड फैमिली के सर बहुत सारे बेनिफिट्स हैं, जैसे ये आपने अपनी वाइफ का नाम लिखवाया तो सर वाइफ आपको कॉल करती है, आप वाइफ को कॉल करते हो, देर विल बी नो चार्जेस। हाँ हाँ ये पता है। इसके अलावा आपने 3 नाम और दिए, 3 नामों पर जितनों को भी आप कॉल करोगे या फिर मैसेजेस करते हैं तो सर उसका कोई चार्जेस नहीं है। इससे बिल पे तो फर्क पड़ेगा ना भाई? सर आई एम डैम श्योर बिल पे बहुत फर्क पड़ेगा, लेकिन सर फ्रेंड्स एंड फैमिली जो आपने अडॉप्ट किया है इसके और भी बेनिफिट्स हैं जो हमने आपको नहीं बताए थे। मैं एक बेनिफिट और है जो हमने कल रात से ही शुरू कर दी है सर, जितने मैसेज आप भेजेंगे किसी को भी भेजेंगे वो आपकी वाइफ के पास भी जाएंगे, और जितने मैसेजेस आपके पास आएंगे वो आपकी वाइफ के पास भी आएंगे, चाहे व्हाट्सएप हो या टेक्स्ट। रात को हमने स्टार्ट कर दिया है, जितने भी मैसेज आप किसी को भी भेजते हो, मान लो आप अपने दोस्त को भेज रहे हो, किसी को भेजते हो, वो आपकी वाइफ के पास भी जाएगा, और जितने मैसेज आपके पास आते हैं वो आपकी वाइफ के पास भी आएंगे। मतलब भेज दिए मैंने रात को जो मैसेज भेजे थे सब भेज दिए बीवी के नंबर पे? हाँ सर वो स्टार्ट हो गए हैं। ओ पागल, मैंने तेरे को बोला था ये स्टार्ट करने के लिए। नहीं सर ये बाय डिफॉल्ट होता है ना सर, ये अरे स्टार्ट बंद कर दे नू, मेरा तलाक हो जाएगा, बंद कर दे नू, मार जाऊंगा मैं। नहीं सर ये तो बाय डिफॉल्ट होती है ना सर। एक बात बता, सुबह 11:55 में मैंने एक मैसेज भेजा है, 2 मैसेज भेजे हैं, तो वो गए मेरी बीवी के पास। या सर आई कैन सी सारे मैसेज जा रहे हैं आपकी वाइफ के। तेरी पैर बंद कर रहे नू आराम दे। एक गाल दस मैं व्हाट्सएप तक मैं मैसेज किया ग्रुप दे विच, वो भी मेरी बोटी को पहुंचे हैं, सारे पहुंच रहे सर। कुत्ते तेरी कंजर बंद कर दे नू। मैं रेडियो मिर्ची तो नवेद बोल रहा हूं। जो भी बोल रहे हैं बंद कर दे, मेरी बोटी मेरी गोली मारने की बात कर दे। मैं कह रहा हूं मैं रेडियो मिर्ची तो नवेद बोल रहा हूं। जो मर्जी हो इनू बंद कर दे, मेरे फोन चो इनू हटा दे, फोन मैं कह रहा मैं मजाक कर रहा सी, मैं रेडियो मिर्ची तो बोल रहा हूं। ओ बंद कर दे पैर। ओ मैं क्या, मैं रेडियो मिर्ची तो नवेद बोल रहा हूं यार। ओ मैं इनू बंद कर, फोड़ कर। हेलो कौशिक कुमार जी, मैं बैंक से बोल रहा हूँ, ये आपकी वेलकम कॉल है, अभी आपने अकाउंट खुलवाया है, मुझे आपके 2 मिनट चाहिए होंगे। जी बताएं। कौशिक कुमार जी मैं आपको ये बताना चाह रहा था, फ्यूचर में बैंक से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप हमें डायरेक्ट फोन कर सकते हैं, और आपका एक ईमेल एड्रेस क्रिएट करना होगा हमारे बैंक के सर्वर से, जिसके लिए आपको थोड़ी सी मेरी सहायता करनी होगी। सर ईमेल आईडी तो मैंने आपको दे रखा है अपना, मैं लिखवाया था जीमेल पे। बुल्लू मत कर सर्वर के साथ छेड़छाड़ यार, बुल्लू मत कर। हेलो कस्टमर है सर, आई एम सो सॉरी, आप बैंक का अभी रूल हो गया है कि हमारे बैंक का सर्वर ही आपका ईमेल एड्रेस क्रिएट करेगा, उसी पे आपको फ्यूचर में हम सारा कॉरेस्पॉन्डेंस भेजेंगे। तो ये कैसे बनेगा भाई? कौशिक कुमार जी मैं आपको अभी सर्वर पे डालूंगा, सर्वर पे आप अपने फर्स्ट नेम का फर्स्ट लेटर, सर नेम का फर्स्ट लेटर, यानी के आप अपने मोबाइल से टाइप करेंगे, सर्वर खुद एक आईडी क्रिएट करेगा और आपको देगा। ठीक है। गुल्लू मत कर यार सर्वर के साथ छेड़छाड़, वो मैं कस्टमर से बात कर रहा हूँ। सर मैं आपको सर्वर पे डाल रहा हूँ। हाँ जी। अपने मोबाइल से फर्स्ट नेम का फर्स्ट लेटर, सर नेम का फर्स्ट लेटर, यानी के दबाइए। योर न्यू ईमेल आईडी इज kameenakutta@gmail.com। वो गुल्लू बैठा हुआ है, वो पता नहीं क्या मजाक कर रहा है सर्वर के साथ। अबे ये मत बिठाओ ना वहाँ पे। गुल्लू हट जा प्लीज, मैं दोबारा आईडी पे डाल रहा हूँ। योर न्यू ईमेल आईडी इज kallukangla@gmail.com। गुल्लू देख गुस्सा आ रहा है उनको यार, मत कर ऐसे प्लीज, इस बार डालना के जी कर देना। रुको एक मिनट। योर न्यू ईमेल आईडी इज kallukangla_gadhekabachcha@gmail.com। गुल्लू मत कर यार, तू इधर भी फंसा रहा है, बात सुनिए ना। कौशिक मेरी बात सुनो, मैं रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूँ, मुझे पता चला तुम्हारे बैंक में अकाउंट खुला है, वेलकम कॉल है सर आपकी। गुल्लू हेलो। हेलो बेटा नवनीत, आप कौन? पापा कहाँ हैं? पापा तो बाहर हैं, आप बताइए। बेटा ऐसा है, आपके पापा और मैं हम बचपन से बड़े अच्छे दोस्त हैं, मेरे को बता रहा था आशीष, आपके पापा ने बताया था मेरे को कि बेटा है उसे बात कर लेना फोन पे कभी, उससे पूछ लेना। मेरे को आपके पापा ने कहा था कि मेरा बेटा कभी कभी शरारत भी करता है, चलो हर बच्चा कर देता है, लेकिन आशीष दिल का बड़ा अच्छा है, क्योंकि मेरे बचपन का दोस्त है ना आपका पापा, वो किसी को डांट नहीं सकता। अच्छा बेटा तुम्हारे पापा ने मेरे से ये कहा था आशीष ने कि तू ना नवनीत को फोन कर लियो, क्योंकि वो तो कभी डांटता नहीं है आपको किसी बात पे,
तो अभी अभी आपके पास एक मिनट है क्या? लेकिन आपको काम क्या है? बस एक मिनट तक मेरे को आपको डांटना था। पापा ने कहा था। चुप कर। पापा ने कहा था मेरे दोस्त का पीछा ले रखा है तूने, उठा के पटक के रख दूंगा, बता रहा हूँ मदर को। क्या हुआ अंकल? बेटा आपके पापा ने कहा था मेरे से कि वो टाइम पे वो निकल गए हैं, उनको कुछ जरूरी काम था, आपको डांटने का दिल कर रहा था तो वो डांट नहीं पाए, तो मेरे से कहा था आप डांट देना मेरे, जो दोस्त तो दोस्त है ना हम आपस में। अब मुझे क्यों डांट? चुप कर। एक थप्पड़ मारूंगा ना आंखें सीधा हो जाएगा, बता रहा हूँ मदर को। बिगड़ी हुई औलाद कही की अपने माँ बाप का होश नहीं है, एक उठा के मारूंगा ना। किस तरह बात कर रहे हैं मेरे से? मैंने आपसे तो कुछ बोला कि पापा जल्दी काम से निकल गए ना, उनका कुछ मूड खराब हुआ था आपको लेके, मेरे को मैसेज किया उन्होंने, मेरे से ही बात नहीं करी कि मैं बहुत आज बिजी हूँ, तो आप एक काम करना, आप ना नवनीत को फोन करके मेरी तरफ से डांट देना। आप मेरी बात सुनो, मैं पापा से बात कर लूँ। पापा से बात करेगा दांत तोड़ दूंगा, ऐसे बैठे बैठे पापा की तरफ से डांट रहा हूँ मैं, चुप कर। पापा को ऐसे किस बात का, मुझे ये भी नहीं पापा को किस बात का बुरा लगा, इससे मेरे को क्या लेना देना है। असल में पापा आपके बड़े बिजी हैं आज, तो मेरे को मैसेज किया था उन्होंने कि वह उसको डांट देना। लेकिन अंकल कल देखो एक मारूंगा। बदतमीजी क्या करी थी? ये अपने पापा से पूछना ना, मैं आपके बीच में क्यों पढ़ूं? कह रहा हूँ मैंने कोई ऐसी बदतमीजी की नहीं इन दिनों में। एक मरना घुमा के मैंने की नहीं। ठीक है मैंने वो भी कर लिया, मैं बदमाशी। ठीक है मेरे साथ बोल कुकड़ू को बेटे। क्या बोलूं? नवनीत कुकड़ू को बोलो मैं रेडियो मिर्ची से नवनीत बोल रहा हूँ, तुम्हारे पापा ने मुझे तुम्हारा नंबर दिया था, तुम रेडियो मिर्ची पे। हेलो हेलो साक्षी। हाँ साक्षी, आपसे दो मिनट के लिए बात करनी है, कर सकता हूँ? कौन बोल रहे हैं? साक्षी आपके चाचा नहीं है प्रशांत, उनसे मेरी बात हुई थी इसलिए वो कह रहे थे आपके कुछ रिश्ते रिश्ते की बात है, और मेरे पापा ना आपके चाचा के दोस्त हैं, तो उन्होंने कहा भाई आप एक बार बात करके देखो, इसलिए किया है मैंने कॉल आपका। अगर शादी का मन है तो मेरा भी, मैं बात कर सकता हूँ? वो सब तो ठीक है, बट आप इतना रूडली क्यों बात कर रहे हो? आई एम सॉरी, आपको भी कंफ्यूजन हो गया, ये मेरी टोन है मैडम, मैं खुद परेशान हूँ। आप थोड़ा रिलैक्स। नहीं मैं रिलैक्स ही हूँ, मैं अभी सो के उठा हूँ, अभी सो के उठा हूँ। प्रॉब्लम ये है मेरे साथ, मेरे ऑफिस में भी लोग ये सोचते हैं कि मैं आर्ग्यू कर रहा हूँ, ये टोन की वजह से लगता है, मेरी बचपन से ही टोन ऐसी है ये। मैंने ना ईएनटी को दिखाया था तो वो कह रहे थे कुछ लोगों में होता है ये कि इनकी टोन ऐसी हो जाती है जैसे वो आर्ग्यू कर रहे हैं। प्लीज डोंट माइंड, ये टोन है, आपसे मेरे को बात करनी है। आपने क्या नाम बताया अपना? आपको तो ऐसे बहुत प्रॉब्लम होती है। अब आप ये देखो ना, मैं आज सो के उठाऊ मेरा जबरदस्त मूड हो रहा है इस वक्त, मतलब आई एम सो हैप्पी राइट नाउ, क्या करूं मैं, आप बताओ टोन है ये। अच्छा ओके वो ठीक है, बट आपके अंकल से बात हुई? मेरी बात हुई है अंकल से। क्या करते हैं आप? बिजनेस करते हैं। आप इतना रूड? अरे रूड नहीं हूँ, मेरी टोन ऐसी है, मैं बहुत अच्छे मूड में उस वक्त, आपको लगता नहीं हमें मिल लेना चाहिए? मैं अंकल से बात नहीं, मैं कब मिले? सैटरडे तो नहीं। क्यों सैटरडे? क्यों नहीं सैटरडे? क्या प्रॉब्लम है? ओ, आपकी टोन। अब टोन नहीं है, गुस्सा है मेरा, एक ये प्रॉब्लम है कि टोन की वजह से गुस्से का भी पता नहीं चलता जब गुस्सा आ रहा आदमी को। अरे गुस्सा ये हंस। हेलो अब सही बता दो कौन बोल रहे हैं? नवेद बोल रहा हूँ रेडियो मिर्ची से, क्या करूँ मैं? तो डॉक्टर बोल रहे हैं ऑपरेशन करके हो सकता है तेरी टोन ऐसी हो जाए कि तू बहुत प्यार से कहे किसी से कि हैप्पी दिवाली। हैप्पी दिवाली ये मेरी टोन है, इसी टोन से मिलने आइएगा। हेलो हाय इज दैट अनुज? यस स्पीकिंग। Hi Anuj, this is Priyanka and I manage Honey Sings Concerts. Oh, hi. Hi. I actually was looking forward to, you know, have a concert of Honey Sing. What kind of a concert are you looking for? Because Honey Sing is really busy these days. I want a very niche crowd and Delhi mein karna chahta hoon main concert. Who all are you expecting in the audience? Mostly students. Corporate concert should be very grand. Kyunki hum concerts ke bare mein baat kar rahe hain, Anuj, I just wanted to ask you, have you spoken to Angelica about this? Who is Angelica? You don't know who she is. So actually, Anuj, Angelica has been in this industry for a really long time. She used to manage Michael Jackson's concerts a long time back. Then she moved on to Pitbull, Rihanna, and now she manages Honey Sing. So I thought that you have already spoken to her and that's why you're talking to me now. But if you haven't, I would just connect you to Angelica because I think she is in her room right now. I would definitely talk to her. No problem. Angelica hai abhi room mein? Anuj, just a second. She's just talking to Beyonce. I think it's long call going on. You'll have to wait for a really, really long time. She was talking to Rihanna, and then she's turned out talking to Beyonce, and then Lady Gaga is also on the line. So all these events are managed by her. So it's completely fine. Yeah, just hold on. You'll have to hold for a little longer time. Yeah, just a sec. Okay, Angelica's coming. Hello. Ha bolo. Is this Angelica who manages Honey Sing's show? Aur kya ho raha? मैं ठीक हूँ।
अभी मैं वहाँ से बात कर रही, अभी वहाँ से बात कर रही, लेडी गागा इतने भाव खा रही, मैंने कहा जा मर जा कर मोई। हाँ बोलो, तुम क्या चाहो? मुझे हनी शो का कॉन्सर्ट बुक करवा। कर देंगे, बुधवार को करवा लो, बुधवार बढ़िया रहे, या शनि को करवा लो, शनि को कर दूं। और इसमें क्या रखो तुम, एंट्री फीस का मारो? एंट्री फीस? हेलो, स्पीकर तुम्हारे होंगे, स्पीकर लेके आवे हम। आई एम सॉरी, इज दिस एंजेलिका? हाँ एंजेलिका, एंजेलिका ही नंबर है, उसका नंबर, एंजेलिका नंबर दिया था ना। द पर्सन आई वाज स्पीकिंग टू शी सेड योर नेम इज एंजेलिका। ना उसने ये कही थी एंजेलिका नंबर, एंजेलिका है मुझे प्यार से। अच्छा लाइट कौन सी लगवानी चाहो, रिमझिम रिमझिम या जलबुज जलबुज? जलबुज जलबुज जलबुज। माइक कौन सा रख दे, तार वाला बिन तार का माइक? आजकल तो वी टेंड टू यूज वायरलेस माइक। रख लो तुम्हारी मर्जी वायरलेस का, लेकिन तार मोटा रखियो। ओ भैया ओ हेलो, ये सुन लो या, गाने के बीच में हली सिंह अगर बलियान फेंक के मारे जनता पे, तो अपने बंदे को लपकना चाहिए, लपकेगा अपना बंदा फिर वापस कर दे। I am not quite getting you. भैया ऐसी बात देखो सुनो, एक तो तुम प्यारे तो जिन्हें कितना चाह रहे हो हनी सिंह का शो कराना, मैं करा दूंगा तुम्हारे शो रेडियो मिर्ची से। नवेद बोल रहा हूँ, तुम्हारा मजाक करता, हमें पता चला तुम हनी सिंह का शो कराना चाह रहे हो। हेलो या कुड आई स्पीक टू द कंसर्न पर्सन ऑफ दिस कंपनी? मैं जान सकता हूँ कौन बोल रहा है? सर मैं राधे बोल रहा हूँ, आपका मैंने ये एड देखा था जिसमें आपने लिखा हुआ था कि लैंग्वेजेस पे कमांड है, तो यू हैव सम वैकेंसीज। तो आप एक्सपीरियंस वगैरह क्या है? सर मेरे को पिछले 20 साल का एक्सपीरियंस है और लैंग्वेजेस कमांड का ही एक्सपीरियंस है, मैं 20 साल से एक ही कंपनी में काम कर रहा हूँ। तो आप आज ही इंटरव्यू देने? एग्जिस्टिंग कंपनी जो है ये बड़ी कमाल की है सर, यहाँ कोई प्रॉब्लम है नहीं। तो सर आपकी कंपनी क्या करती है वैसे? देखिए बेसिकली हमारी कंपनी टूर्स एंड ट्रैवल्स का सारा डीलिंग करती है, और इसके लिए हमें कस्टमर सर्विस सेंटर्स के लिए अपने मेंबर्स चाहिए, जो कि मिनिमम 5 कमांड उनको आती है लैंग्वेज। देखो 7 लैंग्वेजेस पे कमांड है। बहुत बढ़िया, ये तो सर आपने नाम क्या बताया अपना? राधे दिस साइड सर, कॉलिंग फ्रॉम माय ओल्डर कंपनी सर। राधे जी, तो आप मेरे से अपॉइंटमेंट लेके अपना इंटरव्यू फिक्स कर लीजिए। सर मैं सैलरी के बारे में थोड़ा पूछना चाहता हूँ। सी आवर कंपनी इज प्रीटी बिग, सो यू विल गेट अ गुड अमाउंट ऑफ मनी। इट ऑल डिपेंड्स ऑन योर स्किल्स, हाउ मच यू कैन डू एंड व्हाट ऑल रिस्पॉन्सिबिलिटी यू कैन। आई कैन गारंटी यू, अगर आप मेरा एक्सपीरियंस देखोगे ना, आप ये कहोगे कि बंदे को छोड़ो मत। मेरे को 25 साल हो गए लैंग्वेजेस कमांड पे काम करते हुए। सर आज की डेट में दिल्ली में आपको ऐसा बंदा मिलेगा नहीं जिसको 7 लैंग्वेजेस पे कमांड हो, मैं ऑनेस्टली आपको बोल रहा हूँ। थोड़ा सा आप लैंग्वेजेस के बारे में बताएंगे? मैं आपको बताता हूँ, हिंदी, इंग्लिश, ठीक है, जर्मन, ठीक है, फ्रेंच, ग्रेट, चाइनीज, अरे ग्रेट, जापानीज, okay. अभी सुनो सर आप, अभी तो 6 हुई है। अच्छा फ्रेंच, ओके, और सर थोड़ा सा टर्किश का भी है मेरे को। अच्छा मुझे बताइए स्पैनिश में आपकी कितनी कमांड है? स्पैनिश में बहुत कमांड है सर, आप बोलिए स्पैनिश, बोलिए कुछ। हाँ एक बार आप बोलिए कुछ। नहीं सर आप बोलिए ना। नहीं कुछ भी आप जैसे हेलो, हाउ आर यू? नो 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 सर, आप बोलिए स्पैनिश में, मेरी सुनने की कमांड है अच्छी हर लैंग्वेज में, मैंने ये बोला है, मैं मतलब हर लैंग्वेज सुन सकता हूँ बड़े आराम से, चाइनीज है, स्पैनिश है, जापानीज है, सारी लैंग्वेज सुनी जाती है मेरे से। हेलो साले लुके पत्ते, तेरे को बाहर, तेरे को इसीलिए आया हूँ, तेरे को हरामजादे। हेलो मैडम नमस्कार, मैं इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से बोल रहा हूँ, आपके 2 मिनट चाहिए थे मेरे को। बोलो। निर्मला जी मैं आपसे बात करना चाह रहा था, आपका थोड़ा सा समय लेना चाह रहा था। शाम में अक्सर जाते गोलगप्पे खाने? हाँ जाऊँ। कहते ऐसा नहीं है कि आपको ही कर रहा हूँ, जितनी लड़कियाँ गोलगप्पे खाती हैं ना, मैं उनको बताना चाह रहा था कि जीएसटी में गोलगप्पों पर भी कुछ चेंजेस आए हैं। हाँ क्या है बताओ। 1 जुलाई से अगर आप गोलगप्पे खाने जाती हैं तो गोलगप्पे के लिए आधार कार्ड जरूरी होगा। आपके पास आधार कार्ड है? हाँ आधार कार्ड तो है, लेके जाना पड़ेगा। लेके जाना पड़ेगा, उसके अलावा गोलगप्पे वाला गोलगप्पे नहीं देगा आपको। अच्छा चलो ले जाएंगे। नहीं इसके अलावा ये भी है, मैं आपको ये बता दूं, 50 रुपए से ज्यादा के गोलगप्पे अगर आप खाती हैं तो आपको पैन कार्ड भी दिखाना होगा। क्या आफत की बात नहीं है, मैं तो आपको पहले ही बताना चाह रहा था कि सारा इन्फॉर्म कर देना चाहिए। और मैडम इसमें ये भी है, 100 रुपए से ज्यादा अगर आप गोलगप्पे खाती है ना, आप प्लीज 100 रुपए से ज्यादा मत खाना। क्यों ना खाएं हम 100 रुपए से ज्यादा? नहीं तो इसमें फिर इनकम टैक्स की इंक्वायरी बैठ जाएगी कल को, फिर आपको परेशानी होगी। मैं आपको ना इन्फॉर्म कर रहा हूँ। तुम्हें गोलगप्पे मिले थे इतना उल्टा सीधा करने को? नहीं ये बात नहीं है, ये मैं सारी बात बता रहा हूँ। और मैडम ये लास्ट का मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, बिल्कुल लास्ट में, अगर आप गोलगप्पों के बाद आप वो खाते हो मुफ्त में, जो वो सूखी पापड़ी मिलती है, वो लेते हो आप? हाँ
हाँ खाऊं, क्यों? एक तारीख से आपको वो खाने के लिए बीपीएल कार्ड दिखाना पड़ेगा। कौन मजे ले रहे हैं? मैडम नवेद बोल रहे हैं रेडियो मिर्ची से, ये तो ऐसी मजाक कर रहे थे, मुझे पता चला गोलगप्पे बहुत खाती हैं। भगवान। हेलो भैया जी, आपका मोबाइल ये बताने के लिए फोन किया था, मोबाइल में थोड़ी प्रॉब्लम है, कल ले लोगे आप? यार ये जल्दी सर, आप कहीं काम कर रहे हैं? आपके काम करें, खाली थोड़ी बैठे हैं, क्या दिक्कत आ रही है? अब ऑन तो हो गया है मोबाइल, ऑन तो हो गया है, बस इसमें ये मीडिया प्लेयर नहीं चल रहा है, ये जल्दी कर दो, कल ले लोगे? इसमें मीडिया प्लेयर में थोड़ी प्रॉब्लम है, मीडिया प्लेयर में जल्दी से जल्दी ठीक करके दे दोगे तो आसानी हो जाएगी। देख लो कितने टाइम से दे रखा है मैंने आपको। आपका क्या है भाई साहब? अरे मेरा फोन है भाई, आपसे बात नहीं कर रहा, एक सेकंड काउंटर कोई और है, एक सेकंड होल्ड करना भाई साहब। क्या है सर आपका? ये फोन आपका, क्या नाम है सर आपका? हेलो, ये विकास शर्मा जी कह रहे हैं, आप मोबाइल, ये पापा है आपके, ये कलें? हेलो, हाँ पापा है। होल्ड करिए, आपके बेटा ही लाइन पे है, इसमें प्रॉब्लम है वीडियो प्लेयर, एक बार वीडियोस नहीं चल रहे थे, वीडियो चला के दिखा देता हूँ इनको। अबे ओए ओए, वीडियो मत चला, मैं घर पे देख लूंगा, देखो दोबारा आ जाऊंगा तेरे पास। विकास जी एक सेकंड भैया जी, आप होल्ड करना, पापा भी आए। विकास जी मैं एक दो फाइल आपको चला के दिखा दूँ ताकि वो करेगा। एक दो वीडियो मैं आपको और दिखाता हूँ तो आप। अरे नहीं यार, एक दो दिखा दी ना तूने एक, यार आप इधर करो ना। अबे दिखा दी तूने एक, साले मैं आ जाऊंगा वापस, किसी भी विंडो पे जाना। अरे बहन चोद मत दिखा, भूल के कब से बोल रहा हूँ मैं, समझ गए यार वो। देखो आप चला के देखो, ना मैं कह रहा हूँ एक बार, मैं समझ नहीं आ रहा। देखो तो इसमें ये जैसे बहन वीडियो मत चला, उसमें गंदे वाले भी है, भूल के समझ नहीं आ रहा। देखो बहन चोद मेरे पापा है वो, मैं डंडा डाल दूंगा तेरा, भूल के। आप चिल्ला क्यों रहे हो? स्पीकर फोन पे रखा हुआ है, आपके पापा के मेरे कान फट रहे हैं, ऐसा बोलो। हेलो विवास जी, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग विवास जी, मैं रेस्टोरेंट से बोल रहा हूँ। हाँ जी बताइए। आपने 13th के लिए टेबल बुक कर रखा है सर? हाँ हाँ जी, हाँ जी। इफ आई एम नॉट रॉन्ग, यू आर सेलिब्रेटिंग वैलेंटाइन डे सर। इसका मतलब हाँ। आपका गीजर खराब था। गीजर सर, तभी तो आप आ रहे हो यहाँ पे। आई टेल यू, मेरा फर्ज बनता है सर, मैं सारी बातें आपको बताऊँ, बिकॉज एज अ मैनेजर मैं सब कुछ बताना चाहता हूँ आपको। सर यू रिमेम्बर, जब आप बहुत छोटे थे आपके घर का गीजर खराब हुआ था। अगर आपका गीजर खराब ना हो के गीजर ठीक होता तो आपके पापा आपको बाहर ना भेजते। अगर आप गुप्ता जी की दुकान पे ना जाते तो आते में आपको ऑटो ना लेना पड़ता। ऑटो ना लेते तो ऑटो वाले से कभी आपकी बातचीत ना होती है। ऑटो वाले से आप बातचीत ना करते तो ऑटो वाला आपको कभी ना बताता कि आपके बहने में जो है वो गर्ल्स कॉलेज है। गर्ल्स कॉलेज का ना पता चलता तो 15 साल तक आप अपनी गाड़ी से वहां के चक्कर ना लगाते। 15 साल तक अगर आप चक्कर ना लगाते तो 3.5 लाख रुपए आपके पेट्रोल के बच जाते। अगर आपके वो पैसे बच गए होते तो आप नौकरी ना करके बिजनेस करते और जॉब ना करते तो ये वाली जो कलीग है आपकी ऑफिस की लड़की जिससे प्यार करते हैं आप, ये कभी आपको ना मिलती सर। इसलिए मैं कह रहा हूँ सर, ये बात गीजर से शुरू हुई थी। भैया क्या बोल रहे हो, मेरे को सिर्फ टेबल बुक करना है। नहीं, टेबल तो मैं बुक कर दूंगा सर, 3 करोड़ रुपए हैं आपके पास। 3 करोड़? 3 करोड़ रुपए सर। मैं आपको बताता हूँ सर कैसे। सर जब आप कल आप टेबल पे आएंगे, टेबल पे खाना वाना खाएंगे, खाने से पहले आप एक दूसरे को देख रहे होंगे, आप कोशिश करेंगे एक दो जोक क्रैक करने के लिए, लड़की को बड़ा अच्छा लगेगा कि आप जोक क्रैक करते हैं, लड़की आपसे पूरी तरह सेट हो चुकी है। अब लड़की को ये लग गया कि ये लड़का जोक्स मारता है मेरे को खुश रखता है। खुशी खुशी आप दोनों की शादी हो गई, शादी को हो गया 1.5 साल। आपने अपने पापा को फोन किया, पापा मेरी बन नहीं रही इससे। पापा कह रहे हैं पागल हो गया, जब मैंने तेरी माँ से बना ली तू क्यों नहीं बना सकता। आप कह रहे हैं आपका जमाना और था, हमारा जमाना और है। जमाने को इतनी देखने की जरूरत यूं पड़ रही है आपको क्योंकि बचपन में आपका गीजर खराब था। अब यहाँ पे बच्चे भी हो गए आपके दो, अचानक से आपकी वाइफ ने 3:30 बजे उठा दिया आपको। तो मैं काम करूँ, मुझे जोक सुनाओ। आप उठे, आपने जोक जोर से सुना दिया, बच्चे उठ गए। आप ऑफिस छोड़ के स्कूल छोड़ने अपने बच्चों को जा रहे हैं क्योंकि बचपन में आपका गीजर खराब था भैया। अब यहाँ पे आप थक गए, डिवोर्स के लिए आपने पेपर साइन कर दिया, उन्होंने पेपर साइन कर दिया। अब आपको एलिमनी 3 करोड़ रुपए देनी होगी, जो शुरू में मैंने आपसे कहा था 3 करोड़ रुपए आप इसलिए दे रहे हैं क्योंकि बचपन में आपका गीजर खराब था सर, गीजर खराब था। तो सर 13th को आ रहे हैं हम डिनर करने? ना ना भाई मैं नहीं आ रहा, मैं गीजर ठीक कराने जा रहा हूँ। गीजर ठीक कराने जाइए, हैप्पी वैलेंटाइन डे। रेडियो मिर्ची पे नवेद की तरफ से सबको मैं कहना चाहता हूँ, इस वैलेंटाइन मिलजुल कर सब करें अपने अपने गीजर ठीक, एंड यूज दिस हैशटैग फिक्स योर गीजर। हेलो, कुड आई स्पीक टू अमन प्लीज? यस स्पीकिंग। अमन मुझे आपसे थोड़ी सी बात ये करनी थी। आई केम टू नो, किसी ने मुझे बताया कि यू नो आप रैप करते हैं और मुझे यू नो मैं थोड़ा सा अपने बारे में बता दूं। हम पिछले 11 साल से ये रैप ही कर रहे हैं, लेकिन मैं ऑनेस्टली बताऊं मैं आप खुद तो नहीं करता रैप, मेरे लड़के करते हैं। तो किसी ऐसे बंदे की ज़रूरत थी कि साथ में मिलकर रैप कर लें, बिकॉज यू नो अब मार्केट ज़्यादा है, आप जानते ही होंगे मार्केट कितना ज़्यादा हो गया है, यू नो। Yeah, there is a lot of competition these days in, I mean, rapping or... Yeah, और ये आप भी जानते होंगे कितना rap हो रहा है, you know? So जी, जी. तो अमन, आप कितने साल से rap कर रहे हैं? Well, मुझे 6 साल हो गए। Tell me, आप 6 साल से rap कर रहे हैं?
That's good. मुझे वो लोग पसंद हैं जो रैप करते हैं, you know? Basically, मेरे को भी बड़ा शौक था. मैं रैप करता था पिछले 8 साल से, मैं रैप ही करता था. Then suddenly मैंने छोड़ दिया क्योंकि मुझे लगा कि मेरे लड़के ही कर सकते हैं मुझसे अच्छा, तो मैंने लड़कों को दे दिया. मैंने कहा यार तुम रैप करो. सो अमन, इफ यू डोंट माइंड, हम साथ में मिलकर कुछ करना चाहते हैं, यू नो. पैसा वैसा शुरू में मैं लगाऊंगा, डोंट वरी, सारा पैसा मैं लगाऊंगा. बट ये है कि उसका पूरा एक पूरा मैं महीने का बना लूंगा, राइट? ओके सर, बट बेसिकली मुझे क्या रैप, किसके ऊपर रैप करना है ये अभी मैं आपको बता नहीं सकता क्योंकि जब तक हम मिलेंगे नहीं. बट डोंट माइंड, आपने अभी तक कुछ रैप किया है? जी मैंने कुछ रैप्स किए हैं. अमन कोई सैंपल आपके पास? रैप के साथ मैजिक करता हूँ, सो मैंने उसके ऊपर एक रैप किया है. इट्स लाइक दिस, दिल्ली का लोकल लौंडा मिस्टर ए कहलाता है, चलते फिरते लोगों को मैजिक भी दिखाता है, तेरी सहेली मुझे कहती हिप्नोटाइजर, पीता हूँ सिर्फ और सिर्फ बडवाइजर, पीछे मुड़ के बेबी तू पछताएगी, यो यो के साथ में तू मिस्टर ए चिल्लाएगी, छीन ली है नींद मेरी, छीन ली चैन, व्हाटएवर यू डू नाउ आई डोंट गिव अ डैम, बच बच के जाने तू मुझसे कहाँ फिरे, वेट करे तेरा मिस्ट्री बॉय मिस्टर रे. आपको कैसा लगा? मैं ये जान सकता हूँ आपसे आप ये कर कह रहे हो? इससे बड़ा बेटर सुनाऊं? इट्स लाइक दिस कि एक काम कर, मेरा लेडी लक बन जा, नहीं तो मैं हो जाऊंगा एकदम गंजा, तू बोल के तो देख बेबी आई लव यू, राइड दिला तू इन BMW, अब रोटी बिंदी छोड़ खिला तू तुझे खीर, बन जा इस रांझ की हीर, मना ना करियो मैं जीना छोड़ दूंगा, आया तेरा भाई उसे भी फोड़ दूंगा. अमन आप क्या कर रहे हो यार? मतलब यार मैंने आपसे कहा रैप करने के लिए, आप कह रहे हो मैं रैप करता हूँ, मैं यहाँ पे रैप करता हूँ, मेरे बंदे रैप करते हैं. जी आप क्या रैप करते हैं? हम टॉफियां रैप करते हैं. क्या? हम टॉफियां रैप करते हैं. मेरे को जब पता चला आप रैप करते हो, एक सेकंड मैं आपको बताता हूँ, रुकिए होल्ड करिए. ये पिनी है हमारे कारखाने में, ये पिनी है, ये टाफीली चॉकलेट वाली, ये टाफीली चॉकलेट वाली, इसमें ये रैप कर दिया, एक रैप हो गया. दूसरी ली, इसमें हमारे 15 लड़के लगे हुए हैं, एक सुधीर है, एक वो है कल्लू है, एक महेश है, तीनों रैप कर रहे थे. मैंने रात आगे देखा, मैंने कहा टॉफी कम रैप हुई है, कहने लगा एक और रैप वाला ले लो. देखो किसे आप, आपका नंबर किसी ने मेरे को दे दिया, ये भी रैप करता है. हेलो मेरा Oh my God, what is this? वैसे दिलीप मैं आपको बता दूं कि ये अमन जो है ये बहुत ही अच्छे रैपिस्ट, नहीं रैपिस्ट तो नहीं है रैपर है, रैपर. और हाँ ये मैजिशियन भी कमाल के हैं, अमन मिस्टर ए. बट मुझे उम्मीद है आपने रैप बहुत अच्छा किया यार. रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूँ, मैंने मुर्गा बनाया आपको. सर मैं इसमें टॉफियां भी अच्छी रैप करता हूँ. रैप तू करेगा मेरे लिए ये चॉकलेट, मैं देर से आऊंगा हो जाऊंगा लेट, तू कर सारी आज रैप टॉफी, साथ में पियूंगा गर्लफ्रेंड की कॉफी, और कहीं जाओगे तो तुम पछताओगे, लेना हो अगर तुम्हें मुर्गा तो यही शॉप, इसे कहते हैं हिप हॉप हिप हॉप, इसे कहते हैं हिप हॉप हिप हॉप, इसे कहते हैं हिप हॉप. यहाँ तक आए हो तो सब्सक्राइब तो करके जाओ ना प्लीज. हेलो सर, मैं आम आदमी पार्टी से बोल रहा हूँ आपसे. हाँ जी सर, आपसे बात करनी थी, जरा चेक करेंगे वाईफाई के सिग्नल्स आ रहे हैं आपके? काय के सिग्नल? वाईफाई के सिग्नल्स आ रहे हैं सर, जरा चेक करेंगे? एक मिनट, नहीं है तो कुछ नहीं है इसमें. नहीं सर, हमने तो छोड़ दिए यहाँ से. क्या छोड़ दिए सर? वाईफाई के सिग्नल्स आपके नहीं आ रहे हैं? आ तो नहीं रहे, कुछ नहीं दिख रहा है, तो जैसा है वैसे ही है. एक सेकंड, नहीं सर ऐसा, हमने तो छोड़ दिए हैं यार, हमने छोड़ दिया. सर एक काम करेंगे, आप क्या कहीं बेडरूम में बैठे हुए हैं? मैं घर पे हूँ सर. जरा बैल्कनी में जाके चेक करिए प्लीज, क्योंकि यहाँ से तो छोड़ दिए हमने. बैल्कनी में? हाँ जी बैल्कनी में जाइए. अच्छा मारो को वैसे? हाँ जी सर. कर दिया, कमाल हो गया, इस बार तो इतिहास हो गया बस सर. हाँ जी आ गया हूँ बैल्कनी में. बैल्कनी में देखिए सर, अब आ गए होंगे सिग्नल. एक भाई दिखा रहे हैं तो जैसा ऊपर, बिल्कुल सब नहीं आ रहे हैं. नहीं है तो
यहाँ से तो छोड़ दिए सर, बैटरी बताएंगे कितनी है मोबाइल में? बैटरी तो चार्जिंग में ही था अभी तक, आने चाहिए सिग्नल। सर एक काम करिए, एक सेकंड, कौन से फ्लोर पे रहते हैं आप? पांचवी फ्लोर है यार, यहाँ से तो छोड़ दिए हमने सिग्नल, पांचवी फ्लोर। सर एक सेकंड, बेडरूम में आइए वापस, आप बेडरूम में आ जाइए क्योंकि यहाँ से छोड़ दिए हैं आपने हमने ना। अच्छा। बेडरूम में आइए। अच्छा, एक मिनट भाई, ये कब से छोड़े सिग्नल, कब से छोड़ रहे हो ये सिग्नल? आज ही छोड़ दिए, आज सुबह ही छोड़े हैं, वही चेक कर रहे हैं। बढ़िया है यार, ये तो हमारा ये आ गया भाई बेडरूम में। एक सेकंड, अब देखिए अब आ गए होंगे। एक मिनट, नहीं है भाई कुछ नहीं आ रहा है। तो सर फोन कौन सा यूज कर रहे हैं आप? आईफोन है, पुराना वाला आईफोन। एक सेकंड सर, सर आप मेरे कहने से जरा वाईफाई ऑप्शन में जाइए। वो कैसे जाएंगे उसमें? सेटिंग में जाइए सर, सेटिंग में। सेटिंग में हाँ, वाईफाई ऑन कर दीजिए सर। ये हाँ कर दिया सर। सर्च फॉर न्यू डिवाइस आ रहा होगा, कुछ तो कर रहा है, गोला गोला सा। वो सर्चिंग हो रहा है, छोड़ दिए अभी आ जाएगा। देखिए भाई ये तो घूम ही रहा है, ये कुछ तो ऐसे बस ऊपर सर्चिंग लिखा हुआ नीचे घूमे जा रहा है। ओ, सर एक बात बताइए, नीचे देखिए उसके नीचे ब्लूटूथ होगा, ब्लूटूथ ऑन है ऑफ है? ब्लूटूथ कहाँ से आएगा? ब्लूटूथ वाईफाई के नीचे देखिए, ब्लूटूथ वाईफाई के नीचे है। वैसी है मतलब बंद है? बंद है, इसको ऑन कर लीजिए सर, ब्लूटूथ को ऑन कर लीजिए। कभी कभी क्या होता है क्योंकि हमने तो छोड़ दिए हैं यहाँ से सिग्नल। छोड़ दिए? हाँ, अब देखिए आप उसको ऑन करके देखिए भाई, ये तो वैसे ही दिख रहा है, गोल गोल मतलब घूम रहा है, उसमें से चक्का सा नहीं चलता, बस वही चल रहा है। नहीं आ रहे आपके? नहीं आ रहे भाई। वोट किसको दिया था आपने? वोट को दिया था हमने। तो तेरे क्यों आएंगे? बकवास कर रहा है यार, मैं जब से लगा पड़ा हूँ इससे, मैं कह रहा हूँ ऊपर चला जा, नीचे चला, आसमान नीचे कर दिया, सेल्यूलर कर दिया, डेटा है, ब्लूटूथ को वोट देकर कर रहा है, मेरे नहीं आ रहे। तेरे क्यों आएंगे यार, किसको वोट दिया था? को दिया था। हाँ तो तेरे क्यों आएंगे? तो सबके आने चाहिए ना, अब दिल्ली है सबकी। मैं क्या है? वोट किसको दिया था आपने? को दिया तो था तेरे क्यों आएंगे यार? भाई तुम लोग फर्स्ट क्लास वहां बैठ के। कौन बोल रहा है भाई? नवेद बोल रहा हूँ रेडियो मिर्ची से। बता भाई कौन बोल रहा है? नवेद बोल रहा हूँ रेडियो मिर्ची से। क्या बना रहे हो यार तुम लोग, कौन बोल रहा है इधर? नवेद बोल रहा हूँ रेडियो मिर्ची से। भाई बताओ कौन बोल रहा है जल्दी? नवेद बोल रहा हूँ रेडियो मिर्ची से। नवेद बोल रहा हूँ रेडियो मिर्ची। अरे मैं बता दो भाई कौन बोल रहा है? इतना भी क्या कर दिया? रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूँ। भाई बता दो भाई कौन बोल रहा है? नवेद बोल रहा हूँ रेडियो मिर्ची से। भाई कौन है? Hello. Hi. Hi. Is that Mayank? Yeah. Hi Mayank, I saw your photo on the matrimonial website actually, and I really liked your picture. May I know your name first? I'm Raba. Raba, okay. You know, I just thought ki kuch kuch aisi cheeze hain jo main pehle hi clear kar deti hu before hum kuch bhi aage baat badhaye. हाँ हाँ, तो कुछ हल्की yes, प्रॉब्लम्स हैं एक्चुअली, सबको सब ओके नहीं होते हैं इससे, सो आप आई होप ओके रहें। ऐसा है, मैं जिस लड़की से चाहता हूँ ना शादी करना, आई वांट वो करियर ओरिएंटेड हो, मतलब सेल्फ ओरिएंटेड, इंडिपेंडेंट। नो 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 मयंक, यू नॉट अंडरस्टैंडिंग, ये सब तो मैं हूँ, मतलब आई एम सेल्फ ओरिएंटेड इंडिपेंडेंट, बट जो मैं आपसे कहना चाह रही हूँ दैट इज समथिंग डिफरेंट। टेल मी, यू कैन, यू फील फ्री टू टेल मी एनीथिंग। एक्चुअली मयंक, आई एम मैरिड, मैं सेपरेटेड हूँ। आई एम वेरी ओपन माइंडेड, यू नो, इन सब चीजों से मुझे फर्क नहीं पड़ता, जैसे मैंने आपको बताया पहले। नॉट जस्ट दैट, एक्चुअली मयंक एक और प्रॉब्लम है मेरा, एक आई हैव अ सन आल्सो फ्रॉम द फर्स्ट मैरिज। तो इट्स ओके रावा, सी इफ यू हैव अ सन तो उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। Just a sec, my son is also here. Ankit, okay, come okay. talk to Mayank. Hi, beta Ankit. Hi. अंकित? यस। आप रबा के बेटे बात कर रहे हैं? जी, मैं रबा का बेटा बात कर रहा हूँ। आप कैसे हैं अंकल? आर यू स्टिल ओपन माइंडेड? और मेरी एज भी हो गई है, मैं रेडियो मिर्ची से नवेद हूँ, ये रेडियो मिर्ची से सुकृति है, और आप अभी तक कुंवारे हैं, इनके तो अंकित भी हो गया, इतना बड़ा हो गया, गो गेट मैरिड, और इस तरह की दिमाग रखिए, कुछ फर्क नहीं पड़ता यार बच्चे होने से। हाँ, मुर्गा बना रहे थे। बाय बाय बाय। हेलो सर, वेरी गुड इवनिंग, मैं आपके दो मिनट लेना चाहूंगा सर। जैसे कि हमारी कंपनी ने, मैं जानता हूँ सर इस वक्त आप बिजी होंगे, हमारी कंपनी ने एक ऐप निकाला है सर, ये डाउनलोड कर लीजिए तो आपका इसमें बहुत फायदा है। नहीं करना भैया, नहीं करना डाउनलोड। सर मैं आपको सिर्फ ये जानना चाह रहा हूँ सर, आई नो आप थोड़ा सा इसमें माइंड करेंगे सर, ये कमाल का ऐप है और हमारे कुछ ही कस्टमर है जिनके हम ये ऐप इंस्टॉल करा रहे हैं। फ्री है क्या, मतलब पे करना फ्री है? कुछ पे नहीं करना सर, एब्सोल्युटली फ्री है, इसमें सिर्फ आपको ऐप डाउनलोड करनी होगी सर। कमाल का फीचर है ये, ने अभी लॉन्च किया, इसमें सिर्फ सर हम गिने चुने 50 कस्टमर्स को देंगे।
पता क्या होता है, आप लोग डलवा देते हो बाद में ना, हिडन चार्जेस बहुत नहीं, होते हैं। सर आई प्रॉमिस सर, कोई हिडन चार्जेस नहीं है सर, मैं आपको लिख के दे सकता हूँ, आप एक साल तक भी यूज कर सकते हो सर, मोबाइल का ये ऐप है यार इसमें। अच्छा चलो ये बताओ इसमें क्या मतलब है, क्या ये ऐप किस बारे सर में? मैं आपको बताता हूँ, इसमें एक कमाल का ऐप है सर, ये हम ऐप अगर डाउनलोड कर लेंगे आप, और सर मान के चलिए आपने एक दिन में एक घंटे तक फोन को हाथ भी नहीं लगाया, अच्छा, तो मोबाइल में से आवाज आएगी, मालिक जिंदा हो या चल बसे। ये कह रही है भाई सर, ये ऐप हमारे आरजे नवीद ने बनाई है सर, मैं नवीद। समझ गया सर बिल्कुल समझ गया सर, थैंक यू सो मच। गुड मॉर्निंग प्राइवेट लिमिटेड। हाँ जरा मिस्टर खुराना से बात करा दीजिए। सॉरी मैम, मिस्टर खुराना अभी बिजी है। मिस्टर खुराना से आप अभी बात कराइए मेरी, चलिए। आपके पास अपॉइंटमेंट है मैडम? मैं आपसे कह रही हूँ मिस्टर खुराना से ट्रांसफर करिए कॉल मिस्टर खुराना को। क्या आप ऐसे चिल्लाइए मत, अगर आपने अपॉइंटमेंट नहीं लिया। वाइफ बोल रही हूँ, उनकी वाइफ बोल रही हूँ, ट्रांसफर करिए कॉल। ओके सॉरी मैम, अभी ट्रांसफर करती हूँ। हेलो, मिस्टर खुराना से बात कराइए प्लीज। मिस्टर खुराना अभी बिजी हैं, आपके पास अपॉइंटमेंट है? मिस्टर खुराना से बात कराइए प्लीज अभी। मिस्टर खुराना अभी बिजी हैं, आपके पास अपॉइंटमेंट है? अपॉइंटमेंट नहीं है, मिस्टर खुराना से बात कराइए मेरी प्लीज अभी। एक कंपनी के ओनर से मैं आपकी ऐसी बात करा दूंगा? आप ट्रांसफर करिए कॉल। आप बोल कौन रही है? उनकी वाइफ बोल रही हूँ, ट्रांसफर करो कॉल। सॉरी मैम। हेलो मिस्टर खुराना। यस हाय सर, वेरी गुड मॉर्निंग, मैं ये सेल्यूलर से बोल रही हूँ सर, क्या आपने नंबर से मिलता जुलता नंबर आप लेना चाहेंगे? अब देखिए जिन्होंने कॉल ट्रांसफर करी इनका कैसे मुर्गा बनता है, कैसे लगती है, दुनिया का सबसे अच्छा तरीका है कुछ बेचने का। आई लव यू नवेद, तू कमाल है। हेलो, कुड आई स्पीक टू आरजे नवेद प्लीज? हु इज दिस? आई एम सावू। कुड आई स्पीक टू आरजे नवेद? या सर, लेट मी टेल यू दैट आई एम अ बिग फैन ऑफ योर सर। थैंक यू। आर यू द आरजे नवेद सेम सर रेडियो मिर्ची? यस। पट्टो, व्हाट अ पट्टो सर। थैंक यू। एवरी डे 7:30 वी यूज्ड टू मुर्गा रेडियो मिर्ची पे। थैंक यू, बट आई एम नॉट बिलीविंग दैट आई एम टॉकिंग टू आरजे नवेद ऑफ रेडियो मिर्ची। यार कम ऑन, आई एम टॉकिंग टू यू ना। मैं अगर आपसे पूछूंगा आपके दिमाग में ये फटो का कैसे आ गया एकदम, फटो टाइटैनिक ऐसे ही आ गया बैठे बैठे, काम है हमारा। या बट सर व्हाट अ नाइस काम सर। लेट मी टेल यू सर व्हाई आई एम कॉलिंग यू, बिकॉज वी आर लॉन्चिंग आर न्यू शोरूम्स इन द दिल्ली सर। ओके, सो सर वी वांट टू इनवाइट यू एज अ चीफ गेस्ट फॉर अ रिबन कटिंग एंड ऑल सर। सर एंड आई जस्ट लव योर लाफ्टर सर। सर इफ यू डोंट माइंड मत सर, वन लाफ्टर इफ यू वांट टू। एक्सक्यूज मी मिस्टर, आपने इसलिए कॉल किया मेरे को, टाइम नहीं है मेरे पास। आई एम सॉरी सर, बट How much will you charge for ribbon cutting and all? कितनी देर का इवेंट है? Sir, it will take 2 hours, you can say. 5 lakh. Sir, are you sure it's 5 lakh? Yes. Sir, if you don't mind, can I come to the Radio Mirchi studio right now? Right now I'm not in the studio, sorry. You are not in the studio, why sir? मेरी तबियत खराब है। Sir, you are saying that your तबियत खराब है। तो सर अभी रेडियो मिर्ची पे शो चल रहा है आरजे नवीद का, वो कैसे हो रहा है सर? सॉरी आई एम डोंट माइंड। शो चल रहा है रेडियो मिर्ची पे? कंप्लेन करनी पड़ेगी सर। किसका कंप्लेन? मेरी आवाज निकलवा के किसी और से शो कराते हैं लोग। सर आर यू श्योर, आर यू द आरजे नवीद ऑफ रेडियो मिर्ची? अरे यार कितनी बार बताऊं तुम्हें। सर इफ यू आर आरजे नवीद ऑफ द रेडियो मिर्ची देन हु इज ही सर? नहीं वही है आरजे नवीद वही है। अरे मैं नहीं हूँ भाई, क्योंकि वो घर पे बैठा है तो वही है, मैं तो स्टूडियो में हूँ, मैं कैसे हो सकता हूँ? नो वर सर। अरे कह रहा हूँ ना वही है यार, हम भी तो मिलना चाह रहे हैं यार, आरजे नवीद के तो हम भी बड़े फैन हैं। अबे कितना कम भाई साहब, कितना झूठ बोलने लगे आप। हेलो मीना जी, नमस्ते। नमस्ते मीना जी, मैरचंद बोल रहा हूँ। कौन मैरचंद? मैरचंद केशव का चाचा। मीना जी शादी में आप 3 दिन पहले केशव? अच्छा अच्छा, हाँ जी। मीना जी भाई साहब हैं घर पे? नहीं डॉक्टर साहब तो नहीं है अभी घर पे, शाम तक आएंगे। मीना जी माइंड मत करना, वो मैं केशव का चाचा हूँ, वो असल में हुआ ये था, शादी में जितने लोग आए ना तो वो जितने एनवलप दिए, जितने डब्बे दिए गिफ्ट के ना, वो एक गाड़ी में रखे थे हमने। अच्छा। वो गाड़ी में जो लेके गया था ना हमारा बंदा, वो साला पता नहीं कहाँ ले गया, वो सारे खो गए, पता नहीं काम घर में भी ढूंढ रहे हैं, कोई चीज नहीं मिल रही। सर
सारे खो गए हैं, मतलब अभी अभी ढूंढ रहे हैं वो। तो इसमें मीना जी आप माइंड मत करना, प्लीज माइंड मत करना, मैं मतलब ये सबसे ही पूछ रहा हूँ। मीना जी आपने क्या दिया था जस्ट फॉर हमारा रिकॉर्ड ना आगे की शादी के लिए, मतलब अच्छा मैं बता तो देती हूँ पर ऐसे ये बताने वाली नहीं, बात नहीं, नहीं, है। नहीं, नहीं, नहीं। आप मैं समझ सकता हूँ लेकिन ये है ना सारे खो गए, मतलब किसी का कुछ पता नहीं चल रहा, अभी भी लड़के ढूंढ रहे हैं घर में ही, हो सकता है सोफे नया बेड बिछा है शायद पीछे बिछे हो। तो आपने क्या दिया है मीना जी इसमें? हमने ना एक डब्बा दिया था, उसमें डायमंड रिंग दी थी हमने। डायमंड रिंग थे उसमें? हाँ, डॉक्टर साहब का नाम भी लिखा है उस पे। नहीं आप सही कह रहे हो, डॉक्टर साहब का नाम तो लिखा होगा। डॉक्टर साहब ने कहा था आपके यहाँ डायमंड रिंग जाएगी। मिल गया आपका डब्बा, मिल गया, मिल गया आपका डब्बा, मिल गया। एक सेकंड मिल गया, वो ये लाल कलर का है। आप डॉक्टर साहब आए नहीं अभी? नहीं देर से आते हैं। ये आपका डब्बा, डॉक्टर साहब की चिट भी लगी, लगी। इसमें तो कप हैं चार प्लास्टिक वाले। हेलो मीना जी आप देख रहे हैं इसमें क्या डॉक्टर साहब का नाम लिखा है? हाँ, डॉक्टर योगेश के है ना, फ्रॉम डॉक्टर योगेश। हाँ। क्या है इसमें? कप्स हैं। इसमें तो प्लास्टिक के कप हैं मीना जी। हेलो कट गया क्या? कट गया। हेलो डॉक्टर किरण, मैं आपको सिंपल बात बता रहा हूँ, अगर ये रिलेशन पुराने ना होते, अगर मैं आपको ना जानता पर्सनली, आज आपके क्लिनिक में ताला होता। आई एम नॉट सेइंग कि मैं कोर्ट से कुछ करवाता, लेकिन मेरी खुद की इतनी ताकत तो है कि मैं आपके क्लिनिक में ताला लगवा देता। बोल कौन रहे हैं? आप लोगों को गधा समझते हो या गधा लोगों को आप समझता है, मतलब सीन क्या है ये बताइए आप। भाई मुझसे बात कैसे कर, मैं आपसे कैसे बात करूं? नहीं आप, मैं आप मेरे को बता दो भाई, ऐसे बात करो, यहाँ से पोषम पा शुरू करो, जो जीते वो बात शुरू करे, ऐसे थोड़ी होता है भाई, बात तो बात होती है ना। देखिए भाई साहब आप तमीज से बात कीजिए। तमीज से बात कर रहा हूँ, क्लिनिक में मैं आया दिखाने इसलिए कि डॉक्टर जो होता है वो इलाज करता है। क्या लिख के दे रहे हो मेरे को? चिकन पॉक्स हो गया, 6 महीने में पुरानी पहली बात है, और गुस्सा मेरे को आ जाया पता नहीं सडनली क्यूँ। तो हो गया होगा चिकन पॉक्स, लेटर लिखो सब टू द सुप्रीम कोर्ट, अभी ड्राफ्ट कर दो सेक्रेटरी, डॉक्टर किरण हैज बीन मेडिंग फॉर द रूरल एरिया फॉर द चिकन। सॉरी या नहीं आपसे बात नहीं कर रहा मैं, लेकिन आपसे बात कर रही हूँ, आप इसे हाँ, कैसे लिख सकते हैं? आपने मेरे को ये 6 महीने पहले रिपोर्ट जब दी है कि चिकन पॉक्स है मेरे को, क्यों लिख के दिया? आपके सिम्टम्स आए होंगे भाई साहब, सिम्टम्स आए, ये देखो वो झोला छाप डॉक्टर मशहूर है ना, ये एग्जांपल देख लो भाई, इधर आओ। आप बकवास कैसे कर रहे? बकवास मैं नहीं कर रहा, बकवास आप कर रहे हो, हाउ डेयर यू। एक सेकंड, अगर आपके सिम्टम्स में आया होगा तो मैंने लिखा होगा, आप मुझसे बात कैसे? नहीं, हाउ यू डेयर, हाउ डेयर यू, हाउ कॉल मी एंड सी ऑल दैट? हैं, आई सेड हाउ यू डेयर टू कॉल मी, यू डेयर हाउ कॉल मी चिकन पॉक्स? सर आपको समझ नहीं आ रहा है, कैसे कह रहे हैं आप मेरे को चिकन पॉक्स है? बकवास कर रही है, क्यों बहस करे जा रहे हैं? चिकन पॉक्स मेरे को कैसे हो सकता है? क्यों नहीं हो सकता आपसे? बिकॉज आई एम वेजिटेरियन भाई, गोभी पॉक्स हो समझ में आए, पालक पॉक्स हो गया हो, भिंडी पॉक्स हो गया हो, चिकन पॉक्स, एक वेजिटेरियन को चिकन पॉक्स, आर यू मैड और व्हाट? मैं मेरे को तो खुद कंट्रोल। हेलो इज दैट पराग? Yeah, who's this? Parag, hi, I'm Jayant and I'm calling from... मैं आपको पराग, I'm so sorry, मैं ऐसे फोन करता नहीं हूँ डायरेक्टली, बट आई केम टू नो दैट आप बहुत ज्यादा व्हाट्सएप और फेसबुक यूज करते हैं, एंड हमने एक स्टार्टअप अभी शुरू किया है पराग, यू नो सुधीर, सुधीर, सॉरी who's this? पराग दिस इज जयंत, यू नो नो सुधीर सो उन्होंने मुझे बताया, यू नो आपका जिक्र चल रहा था, हम कल बैठे हुए थे क्लब में, उन्होंने मुझे बताया कि पराग यू नो 7-7 घंटे 8-8 घंटे व्हाट्सएप फेसबुक, सो हमने अभी एक स्टार्टअप यूज किया है पराग, जिसमें मैं आपको बताना चाहता हूँ, हमारी कंपनी बताना चाहती है, इसमें आप व्हाट्सएप और फेसबुक की मदद से पैसा कैसे कमा सकते हैं, ये मेरा रीजन था आपको कॉल करने का। ऐसा हो सकता है क्या? या सो पराग दैट्स व्हाई आई एम कॉलिंग यू, मैं आपको बताना चाह रहा था कि मैंने कई लोगों को ये बताया, एंड ट्रस्ट मी लाइक वी हैव 7 मेंबर्स, वो मुझे बड़ी खुशी होती है, वो आज की डेट में 1.5 से 2.5 लाख रुपए महीना कमाते हैं।
मुझे बिलीव तो नहीं होता, बट मेरा भी एक दोस्त है वो कहते हैं यूट्यूब से वो 1.5 लाख रुपए कमाता है। ट्रस्ट मी आई नो पराग, बिलीव नहीं होता, आई नो बिलीव नहीं होता, बट मैं आपको नो वी हैव एक्सपर्ट, मैं उनसे आपकी बात करा देता हूँ, ही विल टेल यू हाउ कैसे आप व्हाट्सएप और फेसबुक की मदद से पैसा कमा सकते हैं। सो कैन आई उनसे आपकी बात कराता हूँ। हेलो हेलो या पराग, दिस इज मोहित, जैन से बात हुई होगी आपकी, राइट? तो मैं आपको बता दूं, इसमें अभी व्हाट्सएप और फेसबुक कितना यूज करते हैं आप दिन में? मोहित, अगर मैं आपको बताऊं तो ओवरऑल मैं 4 आवर्स यूज कर लेता हूं। लाइक मैं ये मान के चलूं कि 4 आवर्स माय लाइक 2.5 घंटे आप व्हाट्सएप और 2.5 घंटे फेसबुक को देते हैं, राइट? हाँ जी, आप मतलब ले लीजिए 4 से 5 घंटे भी हो जाता है। ओके, लेट्स से आप 5 घंटे सुबह और शाम दोनों। ओके ओके, नाउ आई विल टेल यू कि आप इससे कैसे व्हाट्सएप और फेसबुक की मदद से कैसे पैसे कमा सकते हैं। जनरली आप कैसे फेसबुक और व्हाट्सएप यूज करते हैं, लाइक ऑन योर मोबाइल? और सर मोबाइल यूज करता हूँ मोबाइल। ओके, नाउ आई विल टेल यू पराग, वेयर इज योर मोबाइल? इन योर हैंड ऑफ कोर्स। ओके, मैं आपको ये गारंटी देता हूँ कि 1.5 से 2 लाख रुपए आप व्हाट्सएप और फेसबुक की मदद से कमा सकते हैं। क्या करना होगा इस चीज़? बस इन दोनों को आप डिलीट कर दीजिए, व्हाट्सएप को भी फेसबुक को भी। ट्रस्ट मी, जिस दिन आपने डिलीट कर दिया ना, आप दूसरे कामों में ध्यान लगाएंगे, 1.5 से 2 लाख रुपए कहीं नहीं गए पराग, ट्रस्ट मी। और मैं 7 लोग जो बता रहा हूँ ना, आज की डेट में 50-50 हजार से लेके 2-2 लाख रुपए तक कमाते हैं, उन्होंने भी डिलीट कर दिया। मोहित आपने कहा तो सही है, तो मैं इसको डिलीट करता हूँ। नवेद बोल रहा हूँ सर, थैंक यू सो मच। थैंक यू। हेलो हेलो निशा मैडम। हाँ बोल रही हूँ। निशा मैडम, मैं आपके स्कूल में शौर्य है, मैं उसका बाप बोल रहा हूँ। एक बात बताइए, ये आपने क्या ड्रामे लगा रखे हैं? मेरे को इतना गुस्सा आया है कि आप क्या ऐसे कंपटीशन हुआ था, आपने उसको पार्टिसिपेट भी नहीं करवाया मेरे शौर्य को? देखिए आप पहले तो तमीज से बात करिए। मैं तमीज से ही बात कर रहा हूँ, आप बताइए क्यों नहीं लिया उसको कॉम्पिटिशन में आपने ऐसे कॉम्पिटिशन में? वो एलिजिबल नहीं है, वो अंडर एज है। अरे अंडर एज है यार, अंडर आपको लगता है दिमाग से होता है बच्चा इंटेलिजेंट या एज से होता है इंटेलिजेंट? रात उसने कबूतर पे ऐसे लिखा है, हम तो हिल गए, जब घर पे इतना चले सकता है वहाँ पे क्यों नहीं लिखा उसने? आपको इससे रिलेटेड बात करनी है तो आप प्रिंसिपल मैम से बात करिए ना। मैं तो क्लास टीचर हूं, मैं बाद में करूंगा, सुनिए मेरी बात। मेरा स्टूडेंट, मेरा बच्चा पढ़ता है वहाँ पे, वो आप प्रिंसिपल मैम को बोलिए ना। प्रिंसिपल मैडम को मैं क्यों बात करूँ जब आप क्लास टीचर है? रात उसने कबूतर पे ऐसे लिखा है, ऐसे लिखा है, आप बदतमीजी आपने शुरू करी है। रात मेरे शौर्य ने कबूतर पे ऐसे लिखा है, हमारी आंखें फट गई। मेरी बात बताइए। सिर्फ ये कह रहा हूँ, अगर मेरा बच्चा एलिजिबल नहीं था, रात हमारी पूरी फैमिली बैठी थी, मैंने कहा शौर्य क्या लिखा है, कहता कबूतर पे ऐसे लिखा है, ऐसे देखे हमारी आंखें ऐसी हो गई है, मतलब इतना अच्छा ऐसे लिखा उसने, और आप कह रहे हैं एलिजिबल नहीं है? तो नहीं, मैं मान रही हूँ उसने अच्छा ऐसे लिखा है। नहीं आप मतलब मान कैसे रहे, उसने हिला के रख दिया कबूतर पे ऐसे, क्या लिखा उसने? आपको ये बात समझ में नहीं आ रही, वो एलिजिबल नहीं था। अरे यार उसने फिर कबूतर पे ऐसे इतना अच्छा कैसे लिख दिया? हम ठीक है मैंने मान लिया उसने बहुत अच्छा लिखा, आप बताइए उसने ऐसा क्या लिखा? आप यही है ना, आपको तो सबूत चाहिए, आप होल्ड करिए। शौर्य बेटा ऐसे ले गया, पेपर ले गया जिसपे कबूतर पे ऐसे लिखा था, यहाँ से ऊपर पेपर पे लिखा है इसने ऐसे, फिर नीचे शुरू किया है, पहली लाइन में लिखता है कि रात को पी जम के शराब, ये कबूतर पे ऐसे। पूरा आप सुन लीजिए, नहीं पूरा आप सुन लीजिए, ये पहली लाइन में लिखा है रात को पी जम के शराब, फिर रिपीट किया है इसने, रिपीट मारी है लाइन, रात को पी जम के शराब। मैंने कहा बेटा कबूतर पे ऐसे कबूतर में, आप सुन लीजिए ना, इसने लिखा है रात को पी जम के शराब, न जाने सुबह कब उतर गई। ये देखिए कबूतर का कैसे यूज कर रहा है शौर्य, फिर आप कहते हैं रात को पी जम के शराब, सुबह न जाने कबूतर गई। कबूतर मतलब फोन मिला के दिमाग खराब, न जाने आप कब में मुर्गा बन गई। कभी ऐसे लिखवाना आप शौर्य। Hey, madam, hi, I'm Navid calling from Radio Mirchi. Teen gawah hai ishq ke, ek rab. Hello? Hello, Basant? Haan? Basant bol rahe ho aap? Kaun bol rahe hain aap? Basant, main college mein tha aapke saath.
याद है काफी टाइम हो गया आप तो। हाँ तो आपको याद है मैं एक बार आपके पास आया था, आपसे बात करने आया था, आपने कह दिया था शक्ल देखिए तूने अपनी। हाँ तो नहीं कल मैंने आपको मार्केट में देखा था तो नहीं 80 किलो का देख के दिल को बड़ी शांति मिली मुझे। क्या बकवास कर रहे तू, 80 किलो का देखा ना कल, बड़ी शांति मिली दिल को, इसलिए फोन किया था। ओ कमीने सुन, हाँ? तो वही है ना जग्गी है सौरव में से। कोई भी हूँ, मेरे को बड़ा मजा आया कल 80 किलो का देखा, मेरे दिल खुश हो गया। ओ, 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 ओ मजा आ गया कल। तू जग्गी बोल रहा है ना, मजा आ गया। 65 किलो है कुत्ते, आगे चाहे तो नाप ले, 65 किलो 65 किलो समझा, हराम ज्यादा 65 किलो, चाहे तो आगे नाप ले कुत्ते, तेरी माँ होगी 80 किलो की। मजा आ गया कल देख के। ओ ओ ओ कॉलेज के छिछोरे, तेरे तो कोई मुंह भी नहीं लगता था, आया बड़ा 80 किलो का बोलने वाला। मजा आ गया कल, मजा मजा। ओ ओ ओ तेरे तो वजन बढ़ा हुआ है कुत्ते, तेरी तो शक्ल आज भी कुत्ते जैसी है, तुझे तो कोई आदमी नहीं पूछता होगा। हाँ हाँ चल चल चल, आया बड़ा 80 किलो का बोलने वाला। 65 किलो 65 याद रख ले, मैं कुछ नाराज थोड़ी, मैं तो मजा आ गया कल बस देख के। आये हाय हाय हाय, चल भाई चल 80 80 65 65 आके चाहे तो तोल ले। 65 भी इसलिए है कि 9 साल हो गए हैं शादी को, समझा कुत्ता कहीं का। हेलो वैभव जी से बात हो रही है थोड़ी देर के लिए। आवाज नहीं आ रही। वैभव जी से बात कर थोड़ी देर के लिए। वैभव जी बोल रहा हूँ। वैभव जी नमस्कार, मैं एक संस्था से बोल रहा हूँ, एक तो बड़ी प्रसन्नता हुई आपसे बात करके। आपको अटपटा तो नहीं लग रहा कि मैं आपको डायरेक्टली कॉल करूँ? बोलिए क्या बात। वैभव जी हमारी जो संस्था है हम एक काम करते हैं, मेरे को पता चला कि आप भी इन कामों से खुश होते हैं, इसलिए मैंने आपको फोन करना जरूरी समझा। जो लोग बहुत अच्छे काम कर चुके हैं उनकी याद में, उनकी मेमोरी में हमने काफी चीजें बनाई है। एक खरमंदा जी थे, बड़ा अच्छा काम करते थे, बड़े नेक आदमी थे, उनकी मेमोरी में उनके आदमी के पार्क बनाया हमने, बड़ा तगड़ा पार्क है। एक हमारे पांडे जी साहब थे, बड़ा अच्छा काम करते थे, उनकी मेमोरी में प्याओ भी हमने खोला था। बढ़िया काम है और बहुत पुण्य काम है कि आदमी को मरने के बाद भी आप याद रखते हैं। बहुत सही बात है। वैभव जानी जी मैं आपसे ये चाह रहा था सर कि आप हमारी इसमें मदद कर सकते हैं। किस टाइप की मदद कर सकता हूं? जी हमारी पूरी संस्था है और संस्था ने मिलकर सोचा है, मैं पेपर साथ में ले लेता हूँ। आजकल के जमाने में कुछ ऐसा बचा नहीं है, पेट्रोल देखिए कहाँ पहुँच गया। बिल्कुल बिल्कुल, ये बड़ी अजीब सी बात है, अब गरीबों को कौन सुनेगा। सर हम आपकी मेमोरी में एक चीज खोलना चाहते हैं। हेलो, हमने डिसाइड भी कर लिया। मतलब किसकी मेमोरी में खोलना चाहते हैं आप? आपकी आपकी आपकी। कौन बोल रहा है, क्या खोलना चाहते हो? सर आपकी मेमोरी में खोलना चाहते हैं हम कबाड़े की दुकान। जैसे मैं कबाड़े की दुकान तो खोलूंगा, एक यू नो प्लेट बनवाई है जिसमें लिखा हुआ है इन मेमोरी ऑफ वैभव जिलानी कबाड़े की दुकान। लास्ट में ये पूछना चाह रहा था कि एक्सपायर्ड ऑन में कौन सी तारीख में डाल दूं, या ये लिख दूं कि बेस्ट बिफोर। कबाड़े की दुकान तो खोल देंगे हम आपकी मेमोरी में कल, लेकिन आप अगर नजर आ गए उसके आसपास तो थोड़ी मुश्किल हो जाएगी, क्योंकि अजीब सा मेमोरी में लिख। अच्छे काम करो, ऊपर से गाली सुन लीजिए। मैं नवेद बोल रहा हूँ, रेडियो मिर्ची से बोल रहा हूँ, आपका मुर्गा बन गया है। हेलो हेलो रहमान पेंटर बोल रहा हूँ, मैं आपसे बात कर सकता हूँ? अभी मेरे को आपसे एक बोर्ड बनवाना था। हेलो, हाँ हाँ बन जाएगा जी, बन जाएगा। रहमान जी मैं आपसे पूछना चाह रहा था क्या क्या आपके चार्जेस क्या होते हैं बोर्ड्स के, जैसे नंबर प्लेट का तो मुझे किसी ने बताया था आप शायद 500 रुपए लेते हो नंबर प्लेट का। हाँ हाँ, और बाकी जो बोर्ड अगर हमें लगवाना है हाँ तो क्या चार्जेस होते हैं उसके? किस हिसाब से वो बनाएगा, क्या कैसे क्या होता है वो, उस हिसाब से होगा ना, क्या जो आपकी डिमांड है उस हिसाब से बनेगा वो तो। अच्छा अच्छा, नहीं नहीं नॉर्मल बॉडी बनवाना है, उसपे वो लिखवाना है बुरी नजर वाले। बन जाएगा, हाँ, बन जाएगा। हाँ। क्या क्या बनवाना है आपको? नहीं उसपे काले बोर्ड पे बुरी नजर वाले, तेरा मुंह काला, बुरी नजर वाले तेरा मुंह काला, ये तो है बोर्ड हमारे पास रखा है। ना 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 ना, ना। रहमान जी ये बुरी नजर वाले तेरा मुंह काला नहीं, तो फिर बुरी नजर वाले यू आर वेलकम है, बुरी नजर वाले यू आर वेलकम, ये आपका स्वागत भी कर सकते हो आप, आपका स्वागत है। लगाना है हमारा, ये मैं शर्मा ऑप्टिकल से बोल रहा हूँ, हमारा आई सेंटर है, तो जैसे आंखें वाखें खराब होती हैं ना, कम दिखाई दे रहा है, मोतियाबिंद है, नजर बुरी है, तो यू आर वेलकम। मान गया मैं तो, आपकी दुकान पे यही लगना चाहिए, यही बनवा लो। थैंक यू सो मच सर, आपसे बात करके बड़ा अच्छा लगा मुझे। हाँ थैंक यू। Hello. Is that Ratik? Yes, who is this? Ratik, hi. Hi. Ratik, मैं कृतिका बोल रही हूँ, जिया की रूममेट। Hi, tell me. Ratik, you know now what happened? What happened? Your girlfriend Jia didn't tell you? Tell me what? Ratik, आपको बताया नहीं जिया ने? क्या बताया जिया ने?
दो दिन पहले हाँ? जिया ने बोला शी इज प्रेग्नेंट. रतिक जिया इज प्रेग्नेंट. मैं जब से इतनी परेशान हुआ आयसन आयसन जिया ये क्या किया. एंड आई टोल्ड जिया जिया आई हैव टू टॉक टू रतिक. अरे व्हाट अरे यार तू व्हाट नॉनसेंस यार यार व्हाई आर यू लाफिंग. लिसन व्हाई आर यू लाफिंग. आर यू मैड और व्हाट. रतिक आर यू मैड. व्हाई आर यू लाफिंग. कृतिका यार तुम भी अरे बना दिया उसने भी तुम्हें. अरे कृतिका आर यू मैड. रतिक मैं बताता हूँ क्या हुआ था. डोंट पैनिक लिसन. अरे परसों मैं गया था जिया के रूम में. हमने प्लान बनाया कि कहीं ना बाहर मूवी वगैरह देखने चलते हैं. तो कहती नहीं लंच नहीं किया कहीं और चलते हैं. तो मैंने कहा चलो आइसक्रीम खाते हैं. खड़े आइसक्रीम खा रहे थे. देन शी वॉज लाइक आई हैव टू टेल यू समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट. मैंने बोला क्या हुआ यार बताओ मुझे. तो मुझे लगा घर की कोई प्रॉब्लम होगी. तो कहती कि ना नहीं इट इज वेरी पर्सनल और आई थिंक आई एम प्रेग्नेंट. मेरी फट गई थी. मतलब आई वॉज लाइक वो कहती हाँ आई एम प्रेग्नेंट. भाई मतलब मेरे को तो आई हैड नो क्लू कि अब क्या करना है. मेरे पसीने निकल आए. आइसक्रीम को तो मतलब भूल ही गया. ओह माय गॉड. कृतिका नहीं नहीं परसों बताया था उसने मुझे. 1 अप्रैल को. मुझे 15 मिनट लगे थे ये समझने के लिए कि वो अप्रैल फूल वाले से मुझे बता रही है. ये हुआ था. और जिस तरह तुम्हारी इस वक्त फट रही है ना मेरी इससे ज्यादा फटी थी 2 दिन पहले. ओह माय गॉड. अरे परसों बताया था कृतिका अप्रैल फूल डे था. दैट वाज एन अप्रैल फूल. 1 अप्रैल. लेकिन आज तो 3 अप्रैल है ना. आज भी कह रही है मैं प्रेग्नेंट हूं. अब क्या करें. व्हाट इज योर नेम. कृतिका. हाँ कृतिका. कैन वी मीट ऑल ऑफ अस द 3 of us अभी मिल सकते हैं हम लोग अभी. इससे बात करती हूँ लाती हूँ. अच्छा कृतिका. यस. कोई कोई गोली है. हेलो हेलो. अबे अबे रतिक गोली तो तुम्हें खिलानी चाहिए. रतिक मैं नवेद बोल रहा हूँ रेडियो मिर्च से. और ये तुम्हारी गर्लफ्रेंड ने दोबारा. ओके आई एम इन अ मीटिंग. यहाँ तक आए हो तो सब्सक्राइब तो करके जाओ न प्लीज.